दर कमाता हो या 5 लाख कमाता हो, हर कोई कुछ ना कुछ सेविंग करना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे आता है एक प्रॉब्लम कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सा SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या पता वो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेप्ट में करते हैं या फिर इक्विटी फंड में करते हैं। हो सकता है कि अगर डेप्ट में करते हो तो उसे रिटर्न कर ले जरूर कि हाँ कितना परसेंट सही है। मैं यहाँ पे लेके आया हूँ 2-3 फंड ऐसा जहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो तो, और टेन्योर अगर 25 साल का रहता है, ऐसे ऐसे फंड का नाम बता रहा हूँ जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कम से कम 25% से ऊपर ही होगा। लमसम अगर हम 25 साल के ड्यूरेशन में सिर्फ 3 लाख रुपया टोटल 30% या 20% मिलेगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बातें कर रहा हूँ तो 2,37,00,000 का आपका फंड ऐसे तैयार हो जाएगा।